हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि अनपढ़ ड्राइवर हाईवे और सड़कों पर लगी हुई सूचनाओं व संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। इस कारण वे सड़कों पर चलने वाले दूसरे राहगीरों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में राज्य सरकार को सभी अनपढ़ ड्राइवरों के LMV ड्राइविंग लाइसेंसों को वापस कर लेना चाहिए। अदालत ने सरकार से कहा वह इस संबंध में परिवहन अफसरों को दिशा निर्देश जारी करे और ऐसे ड्राइवरों पर कार्रवाई भी करे। अदालत ये आदेश की रिपोर्ट एक माह में देने को कहा है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश मंगलवार को दीपक सिंह की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। दीपक ने याचिका में कहा था कि उसे वर्ष 2006 में LMV श्रेणी का वाहन लाइसेंस जारी किया गया था। उसने मालवाहन का लाइसेंस लेने के लिए विभाग में आवेदन किया, लेकिन विभाग ने 8वीं कक्षा पास होने की शर्त का हवाला देते हुए लाइसेंस जारी करने से इनकार कर दिया। याचिका में गुहार की गई उसे मालवाहन का लाइसेंस जारी किया जाए। अदालत ने सरकार से कहा कि आप ऐसी नीति बनाए जो न केवल लाइसेंस धारकों बल्कि सड़क का उपयोग करने वाले अन्य लोगों के लिए भी फायदेमंद हो। सरकार ऐसे निरक्षर लोगों को लाइसेंस जारी नहीं करे जो हाईवे सहित अन्य रोड पर यातायात के संबंध में लगे हुए साइन बोर्ड को ही ना समझ सके।